दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम इंटरनेट पर ऑनलाइन किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं और हम किसी साइट से किसी डाटा को उठाकर हम उसे वहां पर से कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम किसी एक प्रोग्राम में से कॉपी कर उसके डाटा को हम किसी दूसरे प्रोग्राम में ले जाकर वहां पर पेस्ट करते हैं, तो वहां पर हमें डाटा सेम एज इट इज ऐसा वैसा नहीं मिलता, बल्कि वह कई पैराग्राफ में वहां पर टूट जाता है, या फिर हमें उनके बीच में कई जगह पर कई सारी स्पेस दिखाई देने लगती है। तो इस तरह के टेक्स्ट को हम फिर से सही कैसे करें, तो इसके लिए ही हमारा आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिया है वो यहाँ पर दो टाइप से लिया है। तो पहला वाला टेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा पैराग्राफ के रूप में टूटा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे पैराग्राफ्स बने हुए हैं। और हमारा जो दूसरा वाला टेक्स्ट है उसमें यहाँ पर हमें कई सारी जगह पर कई सारे स्पेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के टेक्स्ट को हम नॉर्मल कैसे करेंगे, इसे आज के हमारे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पता करने के लिए कि यहाँ पर कौन कौन पैराग्राफ में टूटा हुआ है और किस किस प्लेस पर स्पेस है, इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हम इस पूरे को सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसके भी लास्ट में हमारा यह वाला साइन आ रहा है तो वहां पर पैराग्राफ है, क्योंकि यह वाला साइन किसी भी पैराग्राफ के एंड में आता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे पैराग्राफ्स हैं। और नीचे आप देखिए कि यहाँ पर जहाँ पर भी डॉट्स दिख रहे हैं ये हमारे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी स्पेस है उतने डॉट हमें यहाँ पर इनके बीच में दिखाई दे रहे हैं। हम फिर से इस पर क्लिक करके इसे यहाँ पर हटा देते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर पहले पैराग्राफ को सही करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो लाइनें यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में टूटी हुई है हम इन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, होम टैब के लास्ट सेक्शन एडिटिंग में हमें यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, या फिर हम इसके लिए इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, फाइंड वर्ड में ऊपर हमें जो 6 के ऊपर एक्सपोनेंट का साइन दिखाई देता है, हम सबसे पहले उसे यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम पी को प्रेस करेंगे और रिप्लेस विथ में यहाँ पर हम एक स्पेस को ले लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम एक बार स्पेस की को दबा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पैराग्राफ यहाँ पर टूटे हुए थे, जो ब्रेक थे, वे सभी अब यहाँ पर एक हो चुके हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर हमें कई सारे स्पेस दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी स्पेस को भी यहाँ पर हटाने के लिए हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से रिप्लेस पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से हम एक्सपोनेंट साइन को लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर W को प्रेस करेंगे और नीचे हम यहाँ पर फिर से एक बार स्पेस को ले लेंगे जैसे हमने पहले किया था, और इसके बाद हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वे सभी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और हमारा टेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उन्हें किस तरह से यहाँ पर खत्म किया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले ऐसे सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।